सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेल तिल शब्द से निकला है। असली तेल तो तिल का तेल ही है और दुनिया में तिल के तेल की कैसी तासीर है जिसकी कल्पना आप शायद ना कर पाएं। तिल का तेल अपने आप में एक ऐसा तेल है, उसको पत्थर की कटोरी में रख दोगे तो दूसरे दिन नीचे से धार आ जाती है। पत्थर की 10 कटोरियां बना लेना भैया, पत्थर की, और एक में तेजाब भर देना, एक में घी भर देना, एक में ये भर देना, एक में वो, जो जो आपके पास आइटम है, और जब आप तिल का तेल भर देंगे तो सब सारे के सारे पदार्थ उसमें एज इट इज रहेंगे, तिल का तेल नीचे आ जाएगा। पत्थर को फाड़ने की ताकत है तिल के तेल में। हमारे शरीर की बीमारियों की एक और बड़ी समस्या है कि तेल की मालिश खत्म हो गई, शरीर में तेल लगना बंद हो गया, इसलिए शरीर की लोचकता खत्म हो गई, शरीर अकड़ने लगा, बीमारियां देने लगा, इलास्टिसिटी खत्म हो गई। ये जो घुटनों में प्रॉब्लम है, हाथों में, इसका कारण क्या है? तेल नहीं है शरीर में, ऑयलिंग जिसको बोलते हैं। तो तिल के तेल की खासियत है, अगर तिल के तेल को आप अपने शरीर पर लगाएंगे, सबसे पहली चीज वो आपकी त्वचा को शाइन देगा। दुनिया की कोई कॉस्मेटिक इतना शाइन नहीं दे सकता जितना तिल का तेल देगा। और दूसरा, वो आपके शरीर में सबसे तेज बैठता है, मतलब जब वो पत्थर को फाड़ सकता है तो सोचो आपका क्या होगा। कोई दर्द आपके शरीर में, आप उस जगह पर तिल का तेल भरिए। उड़द की दाल और थोड़ा सा कोई आटा ले लीजिए, जिसमें कटोरी, आपके घुटने में प्रॉब्लम है वहां, उसकी उड़द की दाल चिकनी होती है ना तो जम जाती है, और थोड़ा सा आटा मिला के उसको बना ले, कटोरी बना लीजिए, घुटने में दर्द है वहां गरम करके तिल के तेल को आप 10 से 15 दिन ऐसे डालो और उंगली से ऐसे घुमाते रहो, बैठता रहेगा, अब 15 दिन बाद आपके दर्द की बात करेंगे। जिनके घुटनों में बड़ी बड़ी समस्याएं हो गई हैं, इस कार्य को करके देखें। ये वो चिकित्सा है जो 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 लोगों से छुपा दी गई, क्योंकि बड़े बड़े दुकान, मेडिकल स्टोर और बड़े अस्पताल कैसे चलेंगे। वो कहते हैं कि घुटने ट्रांसप्लांट कर दो, उसके पहले वो सही चलता था, अब तो वो रोबोट बन गया, अब तो वो बैठ भी नहीं सकता। देखने दिखाने में चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। तिल के तेल से शरीर में कुछ नहीं तो 150 ग्राम जाना चाहिए, आपका शरीर देखो कितना मजबूत हो जाएगा।